नमस्कार, मैं हूं सकरवार सुमंत और आप देख रहे हैं पीपी न्यूज 24। खबर है गाजीपुर से जहां प्रदेश की योगी सरकार के लाख दावे के बावजूद पशु तस्कर योगी का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला मंगलवार को गहमर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिहार प्रांत के समीपवर्ती देवल पुलिस पिकेट पर देखने को मिला, जहां मुखबिर की सूचना पर गहमर थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार सिंह ने बिहार बॉर्डर के देवल पिकेट के पास से एक ट्रक में लदी 20 गाय और 7 बछड़े के साथ चालक को गिरफ्तार कर लिया। प्रभारी निरीक्षक गहमर राजीव कुमार सिंह को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक ट्रक में लाद कर अवैध रूप से पशु ले जाए जा रहे हैं। तत्परता दिखाते हुए गहमर इंस्पेक्टर ने देवल पुलिस पिकेट के पास घेराबंदी कर ट्रक को पकड़ लिया और तलाशी किए जाने के बाद उसमें से 20 गाय और 7 बछड़े ड्राइवर सहित मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। प्रभारी निरीक्षक गहमर राजीव कुमार सिंह ने किसी तस्करी के मामले से इनकार करते हुए बताया कि अवैध रूप से एक ट्रक में रखी गई गाय ले जा रही थी आजमगढ़ से बिहार के लिए, जिसे गिरफ्तार कर पूछताछ किया जा रहा है। मालिकान को भी बुलाया गया है और जांचोपरांत विधिक कार्रवाई करने की बात बताई। आइए आप भी सुनिए इंस्पेक्टर गहमर ने क्या बताया। सर, पता चला है कि आपके क्षेत्र से पशु तस्कर कुछ पशु की तस्करी करके ले जा रहे थे, क्या मामला है पूरा? पशु तस्कर एक्चुअल नहीं है, वो दुधारू गाय है, लेकिन अवैध रूप से भरे हुए, ज्यादा मात्रा में भरी हुई थी और वो आजमगढ़ से ला रहे थे, चौसा बिहार ले जा रहे थे। इसमें ट्रक जो है पकड़ी गई है, चालक पकड़ा गया है, 20 गाय है जिनको उतार लिया गया है सुरक्षित, उनको जो है चारा पानी की व्यवस्था करा दी गई है। खैर, इनके मालिकान को जो भी है खबर करा के तस्दीक करा के विधिक कार्रवाई की जाएगी। पीपी न्यूज 24 के लिए सकरवार सुमन सिंह की रिपोर्ट। चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें।